हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ऐसे ही लास्ट तक देखते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर सिविल इंजीनियर्स टू गेट अ जॉब। हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गए, हाईवेज हो गए, हाई हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी में काम करना चाहते हो तो आपको डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है, आपको ड्राफ्टिंग के सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना चाहते हो तो आपको फिर मैनेजमेंट और सर्वे के इंस्ट्रूमेंट के तरीके के जो सॉफ्टवेयर है वो सीखना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, राइट। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा एक ही आप सब लोगों से बताना है, आप सब लोगों को एक चीज बताना है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है ड्राफ्टिंग। मतलब अगर आप घर का प्लान बना रहे हो, जैसे मान लो आपका एक A3 शीट है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाया, राइट। फिर उसके बाद आपने एक सेक्शन बनाया घर का जिसमें आपका डोर वगैरह रहते हैं, ठीक है, आपका एक सेक्शन रहता है इस तरीके से, मतलब पूरा इलिवेशन आपने बनाया। फिर आपका एक सेक्शन रहेगा, दूसरा सेक्शन रहेगा, यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी रहेगी, ओके, और यहाँ पे आपका डिजाइनर का नाम रहेगा, यहाँ आपके लेआउट एरिया रहेगा, यहाँ पे फाउंडेशन के डिटेल्स रहेंगी। ऑल दिस इस तरीके की जो ड्रॉइंग्स होती है, ये ड्रॉइंग्स हम ऑटोकैड इस सॉफ्टवेयर का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर होता है ये ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है जो हमें ड्राफ्टिंग करने के लिए काम में आता है। एक चीज आप सब लोगों को बता दूं कि ऑटोकैड सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं यूज होता है, ऑटोकैड हर टाइप के स्ट्रक्चर की ड्राफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑटोकैड में 2D मॉडलिंग के साथ 3D मॉडलिंग भी होती है, मतलब आप 2D में प्लान जैसे बना सकते हो वैसे ही 3D में आप ब्लॉक बाय ब्लॉक का यूज करके उसमें घर भी बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑटोकैड का यूज आज के डेट में करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से वो एक बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हैं, बिल्डिंग की ड्राफ्टिंग कर सके, ओके। तो उसके बाद इसका जो एडवांस वर्जन आता है, देखिए ऑटोकैड एक बहुत लेंदी सॉफ्टवेयर है और बहुत डिटेलिंग में काम करने के लिए काम में आता है। बट अगर आप बात करेंगे कि वही अगर मतलब जैसे 2D ड्रॉ करते ही आपको अगर 3D मॉडल मिले, ओके, जिसको आप अच्छे तरीके से रेंडर कर सकते हो, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे आर्किटेक्ट लोग जो रहते हैं वो अच्छे 3D मॉडल्स आपको दिखाते हैं, तो उसी तरीके से एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है रेविट, ओके। रेविट ये जो सॉफ्टवेयर है सेम ऑटोडेस्क कंपनी का है, आप ऑटोकैड की फाइल रेविट में लेके जा सकते हो, ठीक है। रेविट क्या करता है, उसी जो 2D मॉडल है उसको जैसे जैसे उसके एक लाइब्रेरी होती है, अगर आपको वॉल चाहिए आप वॉल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसके यूनिट चेंज कर सकते हो, अगर आपको विंडो चाहिए तो आप विंडो ले सकते हो, डायरेक्ट पकड़ के ड्रैग डॉम कर सकते हो, ठीक है। तो रेविट क्या प्रोवाइड करता है, रेविट आपको 2D के साथ 3D सेक्शन भी प्रोवाइड करता है। आपको जैसे ऑटोकैड में आप खुद सेक्शन इलिवेशन ड्रॉ करते हो, रेविट में आपको वैसा कुछ करना नहीं होता है, आपको एक प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर प्लान बनाना होता है, प्रॉपर सारी चीजें उस जगह पे रखनी होती है जैसे आप चाहते हो, उसके बाद जस्ट सेक्शन और इलिवेशन के टैब अगर यूज करते हो तो आपको डायरेक्टली सेक्शन, ओके, एंड इलिवेशन और साथ ही साथ आपको मोर डिटेलिंग्स इवन दो क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी आपको भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप रेविट का यूज करके कर सकते हो। अगर मेरा सुझाव अगर आप मानते हो, अगर मैं किसी को सजेस्ट भी करूंगा तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप रेविट कर लेते हो प्रॉपर तरीके से, आज के डेट में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, रेविट एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑटोडेस्क कंपनी का। अगर आप ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से कर लेते हो तो आपको ऑटोकैड इजी तरीके से आ भी जाएगा, ओके, और आप खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। नाउ अभी ये तो बात होगी बिल्डिंग के मॉडल्स के बारे में और ड्राफ्टिंग के बारे में, लेकिन अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में तो देखो हमेशा किसी भी चीज का मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस होता है, ओके, एनालिसिस होता है, फिर एनालिसिस होने के बाद उसका होता है डिजाइन, ठीक है। तो एनालिसिस जैसे अभी हमने ड्राफ्टिंग के लिए बात की, ड्राफ्टिंग मतलब क्या, प्लान बनाना, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना किस तरीके से करना है। एनालिसिस के लिए देर आर 2-3 सॉफ्टवेयर, जैसे हो गया सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है स्टैट प्रो,
ओके, स्टैट्रो ये सॉफ्टवेयर बेंटली प्रोवाइड करता है, बेंटली कंपनी है जो स्टैट्रो का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। सेकंड सॉफ्टवेयर जो है वो है सैप, स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रोग्राम। थर्ड सॉफ्टवेयर है आपका ईटैप। ओके, ये जो दो सॉफ्टवेयर ये सीएसए प्रोवाइड करती है, ठीक है, कंप्यूटर सोशल अमेरिका सोसाइटी ऑफ अमेरिका ये प्रोवाइड करती है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो टू डिजाइन दी बिल्डिंग। ओके, अगर आपको डिजाइन एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपको डिजाइन के लिए भी यूज करना है तो आप सेम दिस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करना आना चाहिए, बिकॉज इन इनके जो भी आउटपुट होते हैं उनको और एडवांस तरीके से यूज करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए। ओके, तो ये चीज हो गई बिल्डिंग के बारे में। अभी मैं बात करूंगा आपको हाईवे के डिजाइन के बारे में। ओके, हाईवे कंस्ट्रक्शन या हाईवे डिजाइन के बारे में बात करता हूँ मैं सबसे पहले, कंस्ट्रक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। हाईवे डिजाइन जो होती है इसमें भी सेम ड्राफ्टिंग, ओके, इसमें फिर एनालिसिस, ओके, फिर उसके बाद डिजाइन। एक्चुअली जो प्रोसेस होती है प्रॉपरली स्ट्रक्चर के डिजाइनिंग में, वो इस तरीके से होती है। सबसे पहले उसका हम रॉ डाटा बनाते हैं, देर इज अ रॉ डाटा, एक रॉ डाटा हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उससे हम एनालिसिस करते हैं। ओके, एनालिसिस वन बोल सकते हैं आप, एनालिसिस टू बोलेंगे। फिर उसके बाद जब हम फाइनल रिपोर्ट के ऊपर आते हैं, फाइनल एनालिसिस हमारा सेटिस्फैक्ट्री रहता है अकॉर्डिंग टू ऑल स्टैंडर्ड्स, वी गो फॉर डिजाइन, फिर हम डिजाइन करते हैं। जैसे हमारा डिजाइन होने के बाद हम जो डिजाइन के हमारा आउटपुट आया है उनका यूज करके हम ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट डिजाइन, ड्राफ्ट मॉडल या ड्राफ्ट जो भी आपके स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग से वो बनाते हैं, फिर उनको फाइनल ड्राइंग करते हैं, राइट। तो हाईवे के लिए आपको ऑटो कैट बहुत जरूरी है, ओके, आपको रेविट बहुत जरूरी है, आपको 3D Max बहुत जरूरी है। वैसे मैंने बिल्डिंग में 3D Max बताया नहीं क्योंकि रेविट में ऑलरेडी रेंडर अच्छी तरीके से हो जाता है तो उसकी कोई जरूरत है नहीं। ओके, तो ड्राफ्टिंग के लिए थ्री सॉफ्टवेयर मोर सफिशियंट है जो आपको ऑटोडेस्क प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनके साथ ही साथ अगर आप बेंटली का, ओके, अगर आप बेंटली का माइक्रो स्टेशन यूज करते हो, ओके, बेंटली का माइक्रो स्टेशन यूज करते हो, ये भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स प्रोवाइड करता है फॉर ड्राफ्टिंग पर्पज, ठीक है। नाउ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए हाईवे अगर आपको डिजाइन करने है तो आपको बेंटली के सॉफ्टवेयर जैसे एमएक्स रोड, ठीक है, अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम है ओपन रोड, ओके, उसके बाद ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है सिविल 3D, ओके, ये तीनों सॉफ्टवेयर साथ ही साथ इंफ्रावर्क जो ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है वो भी आपको यूज करना चाहिए। ओके, इंफ्रावर्क, ठीक है, ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, इसको भी आपको यूज करना चाहिए, सॉरी। ओके, तो ये सारे सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हो फॉर एनालिसिस ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर। साथ ही साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बहुत जरूरत होती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज नहीं करते हो तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, बिकॉज इनके जो आउटपुट होते हैं वो आउटपुट आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेल का यूज करके ही आपको इंटरपोलेट करने होते हैं। सिमिलरली अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो ये सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए ही यूज होते हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए सेम सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, ठीक है। नाउ अभी हम बात करेंगे जो भी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके लिए जैसे हो गए, जैसे ब्रिज हो गया, ठीक है, इन सारे स्ट्रक्चर के लिए कलवर्ट्स हो गए जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, ओके, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो गए, जैसे हो गए आपके कलवर्ट, ओके, ब्रिज, फिर वो मेजर हो गया, माइनर हो गया, ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, तो इनका हम किस तरीके से, तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो स्ट्रक्चर्स है तो इनका किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे कलवर्ट और ब्रिज है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो इनको एनालिसिस और डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जरूरत है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बहुत जरूरत है, ओके। सेकेंड चीज आपको चाहिए, जैसे आप स्टैट्रो यूज कर सकते हो, ठीक है, आप स्टैट्रो यूज कर सकते हो जो बेंटली का सॉफ्टवेयर है। थर्ड सॉफ्टवेयर जो मैं बताने जा रहा हूं वो है आपका टेक्ला स्ट्रक्चर, ओके, टेक्ला स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो, ओके, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। थर्ड सॉफ्टवेयर जो है, सॉरी फोर्थ सॉफ्टवेयर जो है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो यूजुअली ये सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज तो होता नहीं है, बट आप ईटैप, ओके, ईटैप, सैप, ओके, और सीएसआई के, सीएसए एआई के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो ब्रिज डिजाइनिंग के लिए काम में आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और यस
अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी लिया तो प्लीज मेरे ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे ऐप मेरे पास है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।